धर्म की नगरी बिरसिंहपुर पाली में चल रही श्रीमद भागवत कथा महापुराण के चौथे दिन वृंदावन से पधारे कथावाचक पंडित श्री आनंद कृष्णा शास्त्री जी के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की लीला का व्याख्यान करते हुए गोवर्धन पूजा कराई गई। वहीं भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग अर्पित कर उन्हें गंगा जल भी भेंट किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे ज्वालाधाम के पंडा भंडारी जी ने कथावाचक आनंद कृष्णा जी का पुष्पमाला से स्वागत किया। वही उनका स्वागत कथा व्यास ने भी आत्मीय सम्मान किया। कथावाचक श्री आनंद कृष्ण जी शास्त्री ने बताया कि भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग इसलिए अर्पित किए जाते हैं क्योंकि जब उन्होंने 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत उठाया था तो वह पूरे 7 दिन तक भूखे थे और उनकी माँ यशोदा मैया ने कहा कि मेरा कृष्ण एक दिन में 8 प्रकार का भोग खाता है और 7 दिन तक भोग नहीं लगाया, इसलिए 7वें दिन 56 प्रकार के भोग बनाकर उन्हें खाने के लिए दिए गए। गौरतलब है कि इस अवसर पर भगवान श्री कृष्ण को लगाए गए 56 भोग का प्रसाद सभी श्रवण को वितरित किया गया व आरती कर भजन गीत गाए गए जिसमें भक्तों ने जमकर नृत्य भी किया। कार्यक्रम में नगर समाज सेवियों सहित गणमान्य नागरिक भारी संख्या में पहुंचकर पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। और हम आपको बता दें कि यह धार्मिक अनुष्ठान क्षेत्र में प्रतिवर्ष समाज सेवी रतन तिवारी युवा पत्रकार हेमंत तिवारी के निज निवास में बीते 30 जनवरी से आरंभ किया गया है जिसका समापन 6 फरवरी को भक्तिमय माहौल में विधिवत किया जाएगा। मैया ने कहा कन्हैया कृष्ण तुम मिट्टी भक्षित वान हो। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए बिरसिंहपुर पाली से दीपू त्रिपाठी की रिपोर्ट।